आपने रूल है सर, तो HDFC जो भी रूल के हिसाब से आपको नहीं, मेरे पास है मैडम अभी देखो HDFC बैंक का मेरे पास कितना सेटलमेंट लेटर है, मेरे पास 10-15 सेटलमेंट लेटर है मैम, जो 18% में भी हुआ है, 25% में भी हुआ है, 22%। हाँ हेलो मैडम बोलिए। हेलो रवि कुमार बसोदी जी। यार बोलिए मैडम, कौन आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं दीपाली बोल रही हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है सर, आपके EMI के रिगार्डिंग कॉल किया है सर। यस बोलिए ना मैडम। आपका मोबाइल का EMI 4 महीने से पेंडिंग है सर, बाउंस हो रहा है। यस। आपका एजेंसी का नाम मैडम? आप अपना एजेंसी का नाम मैडम आपका? PMAC है सर। क्या मैम? PMAC। ओके बोलिए मैडम। तो ये EMI के लिए कॉल किया था सर। हाँ मैडम, ये अभी और 2-3 महीना जाएगा मैम। हेलो क्यों सर 2-3 महीना ऑलरेडी? आपका आवाज फिर से स्लो आ रहा है मैम, एकदम थोड़ा जोर से बात कीजिए ना मैम। EMI हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ सर जोर से बात करने का। आपका ऑलरेडी 4 महीने से बाउंस चल रहा है सर। यस मैम, अगस्त महीने में रिसीव हुआ है, उसके बाद आपने EMI का पेमेंट नहीं किया हुआ है। ये एक्चुअली क्या हुआ मैम, जुलाई मंथ में क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके वजह से क्या मतलब पूरा थोड़ा एक्सीडेंट ज़्यादा ही हो गया था सबका कार में, तो उसके वजह से क्या पूरा मेडिकल में ही चला गया पैसा। तो पैसा अभी है ही नहीं। अभी क्या मेरा गांव में एक प्रॉपर्टी है जो मैं सेल आउट करने निकाला हूँ, वो जैसे सेल हो जाएगा मैं तो फिर फोरक्लोज या सेटलमेंट जो भी होगा करवा दूंगा। उसके लिए 2 से 3 महीना जाएगा मैम। हेलो करिए सर, एटलीस्ट नहीं हो रहा है ना मैम, बहुत कोशिश किया मैं। बोल रही हूँ मिनिमम EMI पेमेंट करने का एटलीस्ट कोशिश करिए ना सर। मैडम सच बता रहा हूँ आपको। हेलो हाँ हेलो, आ रहा है आवाज मैम? हेलो, आप नेटवर्क में आके बात करिए। नेटवर्क में हूँ मैम, नेटवर्क में हूँ मैम मैं। हाँ बोलिए ना सर। वही बोल रहा हूँ, अभी ऐसा परिस्थिति है ना मैडम, जेब में 500 रुपया नहीं है। ब्रेक हो रहा है। आपको ये आउटगोइंग लगेगा फिर से कॉल, मैं कर रहा हूँ कॉल। हाँ सर देखिए अभी 4 महीना हो चुका है ना, तो बैंक भी और फिर आपको कि एटलीस्ट 1-1 महीने का। सही बात है मैडम, लेकिन पैसा होगा तो करेंगे ना। ओके तो आप बोल रहे हो कि आपके पास पैसा ही नहीं है EMI पे? नहीं है ना मैम, यही तो मैं मेरा बताने का कंसर्न है। इससे पहले जो एजेंसी थी उन लोग को भी यही बताया हूँ, हर किसी को वही प्रॉब्लम बताया हूँ। कोई तो गाली भी गलौज करके रख दी है फोन। अभी किसको क्या बोल सकता है मैडम, तकलीफ में रहेंगे तो क्या कोई भी बोल देता है, क्या कर सकते हैं अभी ना। ये मोबाइल अभी आप यूज कर रहे हो क्या सर? नहीं ना मैडम, वो एक्सीडेंट में क्या खराब हो गया था ना मैम, बताया मैं ऑलरेडी। मैं वो सर्विस सेंटर में भी लेके गया था, तो उधर बना नहीं वो। हाँ बताया, आप चेक कर सकते हो। मोबाइल डेड होगा अभी भी। क्या बोल रहे हो सर? मोबाइल अभी डेड होगा, आप चेक करते हो IMI नंबर डाल के ना, चेक कर सकते हो। डेड होगा मोबाइल। आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है अभी? प्रोडक्ट भी आप यार वो खराब हो गया है। बच्चे लोग खेल रहे थे परसों, मतलब 15-20 दिन पहले। अगर आपको चाहिए तो दे देता हूँ, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बट वो प्रोडक्ट आप बोल रहे हो कि वो यूज करने के लायक का नहीं है। यूज करने बन भी नहीं रहा है मैम, बन भी नहीं रहा है। अभी बनाने के लिए उसको बोलते हैं 50,000 लगेगा, मतलब उसमें उतनी चीजें गायब हो गई है। ऐसा है सर। बैंक आपको यही रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट मिनिमम EMI पेमेंट करके तो भी आपका अकाउंट क्लोज करने। सही बात है मैम, लेकिन पैसा देखो मैडम, हर चीज के लिए क्या पैसा होना चाहिए ना, बिना पैसे का कुछ भी नहीं होता है। अभी बैंक के आपको काफी टाइम दे दिया है। हाँ वो तो मैं मानता हूँ। हाँ तो पैसा नहीं रहेगा आपके पास, आप सच बोल रहे होंगे सर, बट थोड़ा अरेंजमेंट करिए। और वही कर रहा हूँ मैम। देखो मेरा क्या, अभी मैं परसों के दिन ना तेलंगाना जा रहा हूँ, मेरा उधर ही प्रॉपर्टी है गाँव में। अभी देखो उधर अभी 2-3 बायर रेडी है, अगर कुछ होता है तो मैं करवा दूंगा, लेकिन कंफर्म नहीं है मैम। क्योंकि मैं इसलिए 2-3 महीना बता रहा हूँ कि हो भी गया तो मैं उसके पहले सेटलमेंट या जो भी है करवा सकूँ। हाँ बिकॉज देखिए 2-3 महीना आप अभी और ले रहे हो, आपको ऑलरेडी बैंक की तरफ से काफी 4 महीना हो गया मैम, पता है 4 महीना हो गया मैम। हाँ वही तो आपको काफी चार्जेस भी लगे हुए हैं सर, और जितना टाइम आगे लोगे आपको और चार्जेस लगेंगे सर। और फिर बैंक के साथ अभी हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट एक EMI पे करके अपना अकाउंट जो भी है रेगुलर चालू रखिए और एक एक EMI पेमेंट करके। सही बात है मैम, देखो मैडम ऐसा है ना, मेरा जो था ना बिजनेस बंद हो गया, हर चीज बंद है, पैसा आने का जो स्कोप है ना मैम कहीं से नहीं है। तो मैं आपको प्रॉमिस भी कर दूं, आपको बोलो चलो PTP दे दिया आपको, लेकिन जब मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं सोचता हूँ कि बता दूं आप लोगों को कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैं आपको कुछ टाइम नहीं दे पाऊंगा, समझे मैडम मेरा कहना वो है। हाँ सर, आपके सिविल में भी इफेक्ट हो रहा है तो वो तो सिविल में मैं चेक किया मैम, सिविल अभी खराब ही है, आप देख सकते हो। HDFC का क्रेडिट कार्ड का भी नहीं भर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों का ये आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल खराब हो गया इसलिए कस्टमर नहीं भर रहा है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैम भर दूं, लेकिन क्या पैसा स्कोप होना चाहिए ना मैं पैसा आने का। अभी मैं महीने में पहले 60-70 हज़ार रुपये कमा लेता था, इसलिए मैं वो मोबाइल लिया था। अभी आज ऐसा है कि ना मैम 5-10 हज़ार आना भी मुश्किल है, ऐसा है। ठीक है सर, देखिए मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बैंक आपको यही रिक्वेस्ट करता है कि EMI का पेमेंट अरेंज करके पेमेंट करने का कोशिश करिए सर। यस मैम, मैं देखो ऑलरेडी मेल भी किया हूँ इससे। हाँ, और अकाउंट क्लोज करिए, आपका सिबिल भी इम्प्रूव हो। अभी एग्जाम्पल के लिए मैम इसका सेटलमेंट करने जाएंगे तो कितने तक हो जाएगा, मतलब सेटलमेंट एग्जाम्पल के लिए आपके थ्रू? अभी कुछ 75,000 है ना आउटस्टैंडिंग, 74 के 75। हाँ अभी 76,000 है। क्या सर कितने तक हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2-3 महीने के बाद अगर एक रफ फिगर बताती हूँ, बट फिर उसके बाद में सब्जेक्ट टू अप्रूवल आपका जो भी है सेटलमेंट अमाउंट फिर हम आपको बता देंगे, बट एक रफ फिगर मैं आपको बता रही हूँ। कंफर्म नहीं है सर ये अमाउंट, तो ये ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। सेटलमेंट अमाउंट मैं आपको सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाद में कंफर्म बताऊंगी, बट मैं आपको एक रफ फिगर अभी बता। एक रफ फिगर बताइए मैम। 57,000 तक जाएगा सर आपका। कितना? 57। नहीं मैम ये अपने को ज्यादा मतलब वेव अप कभी तक मिल सकता है मैडम? अभी तो 5-4 महीना चालू हुआ है समझो, तो 4 महीना जो अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ ना सर, उसके बाद भी जो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल आपको बैंक आपको जो भी अमाउंट बताएगा अमाउंट है ना, आपको कम से कम बता रहे सर हम। उसके आगे आप जितना भी महीना बोल रहे हो ना सर कि मैं इतना इतना महीने के बाद भरूंगा, तो आपको इतना वेव ऑफ करके भी नहीं मिलेगा सर आगे। इसलिए तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एटलीस्ट 1 या 2 EMI पेमेंट करके अपना अकाउंट जो भी है वो अच्छी तरीके से एटलीस्ट एक रेगुलर चालू रखिए सर पेमेंट करके। प्रॉब्लम मैम, लेकिन क्या पैसा होना चाहिए ना मैम? सर देखिए अभी नहीं ही हो रहा है बोल के फिर आपको आगे जाके एक साथ पैसा भरने का अगर ये आ जाए तो फिर उस टाइम पे भी आपको दिक्कत आएगा ना सर पेमेंट करने के लिए। अभी आप नहीं वो तो बात है मैम। नहीं मैं ऐसा सुना था, मेरा एक कलीग था जो मेरा एजेंसी में काम करता है, उनका कहना क्या था थोड़ा ये राइट ऑफ में जाएगा तो क्या अपने को 20% 25% में सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा था। सर देखिए हम तो आपको हमारे तरफ से हमने तो बता दिया है कि आप मिनिमम EMI पेमेंट करके अपना अकाउंट। आप तो 80% बोल रहे हो मैम, आप 25% ही वेवर दे रहे हो, मतलब आपके हिसाब से 25% ही वेवर दे रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ अभी जब मेरे पास पैसा आ जाएगा अगर मुझको 20-25% में सेटलमेंट मिल जाएगा तो मैं करवा दूंगा, मेरा ऐसा कहना था। ठीक है सर, आपके पास देखिए इतना नॉलेज है, बट जो भी है सर अभी सब आपको जो भी फ्रेंड ने एडवाइस दिया है वो सब बैंक के अपने रूल्स है सर, तो HDFC जो भी रूल के हिसाब से आपको। नहीं मेरे पास है मैडम, अभी देखो HDFC बैंक का मेरे पास कितना सेटलमेंट लेटर है, मेरे पास 10-15 सेटलमेंट लेटर है मैम, जो 18% में भी हुआ है, 25% में भी हुआ है, 22% में भी हुआ है। ओके सर, मेरे पास है। अभी इससे पहले जो कॉल किया था वो बंदा कौन था, वो बैंकर था क्या एजेंसी का ही था? सर अभी तो हमारे एजेंसी की तरफ से ही आपको कॉल आया हूँ। वही मैं उनको उसको वही बोल रहा हूँ, एजेंसी का नाम पूछ रहा तो नहीं बता रहे थे, इतना घबरा क्यों रहे वो मुझको समझ में नहीं आता है उनका। पता नहीं सर, तो मैं उस चीज का पता लगा मतलब आपको जो भी डिटेल्स चाहिए था सर आपको मेरे थ्रू मिल चुका है। आई होप यू आर सैटिस्फाइड सर विद द डिटेल्स फ्रॉम द बैंक। नहीं नहीं, आप एकदम अच्छे से बात किए मैडम, अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि ऐसा आप ऐसा लग रहे हो कि आप एक वेल एजुकेशन हुआ है आपका, आपने DRA किया है, लेकिन जो इससे पहले जो कॉल किया था अभी 15-20 मिनट पहले, उसका बात करने का व्यवहार भी अलग था। ठीक है सर, आपको अगर कोई दिक्कत हुई रहेगी तो माफी मांगते हैं हम। बट नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं मैम, वो कुछ गलत बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो ओवर स्मार्ट बन रहा था, वो ऐसा सोच रहा था कि वही स्मार्ट है, उसको ये नहीं पता कि कस्टमर उससे स्मार्ट है। ओके सर, देखिए आपको काफी नॉलेज है, ओके एक्सेप्ट, बट बैंक की तरफ से हम आपको इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं। मुझको बोलता है तू भाग गया है, वो घर छोड़ के भाग गया है, भगोड़ा है, वो ये बोल रहा था। तो मैं बोला भाई मेरा रेंट का रूम था वो, तो मैं खाली करूंगा ही ना भाई। हाँ मैम, किसी कोई भी रेंट का रूम जो होता है वो थोड़ी ना परमानेंट होता है मैम। ठीक है सर, देखिए आपका जो भी है NPA में अकाउंट आया है, लाइक अकाउंट अभी NPA में नहीं गया है मैम, NPA में है सर आपका अकाउंट, अभी NPA में। राइट ऑफ में कब तक जाएगा मैम? तभी तो भी 2-3-4 महीना और लगेगा क्या राइट ऑफ में जाने? हाँ, वो बैंक अपने रूल के हिसाब से सर वो आपका अकाउंट जो भी जाना होगा। मैं इसलिए आपको क्या बोल रहा हूँ फिलहाल मैडम, आप फिलहाल जो है आप गलत मत समझना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप फिर गलत सोचोगे। फिलहाल के लिए मैं तो सोच रहा हूँ राइट ऑफ लिख के ना थोड़ा क्या केस आगे बढ़वा देंगे। अभी 2-3 महीने के बाद जैसे भी पैसा आएगा फिर मैं उसको देखूंगा मेरे हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से व्यवहार मिलेगा तो मैं कर दूंगा पेमेंट, क्योंकि अभी उतना तो भर नहीं पाऊंगा मैम, क्योंकि मेरा सिविल मुझको ठीक करना है, लेकिन पैसे भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये महीने में एटलीस्ट आपका एक EMI नहीं ना मैम, नहीं होगा मैम, होने जैसा होता ना मैम आपको बोल देता। मैडम मैं ना देखो जिंदगी में ना कभी थर्ड AC छोड़ के ना कभी ट्रेन में नहीं गया हूँ, आज पहली बार चालू ट्रेन में जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ मैम, वो भी मुझको परसों के दिन जाना है गाँव। परसों के दिन गाँव जाना है, मैं वहाँ का सिचुएशन देखूंगा क्या है, अगर मेरे हिसाब से मुझको अमाउंट मिल रहा है मेरे प्रॉपर्टी का तो मैं सेल कर दूंगा, अगर वो अमाउंट जैसा आता है फिर मैं आपके लिए, अगर हो सकता है हो भी जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है मैम, 99% कंफर्म नहीं है, ओनली 1% चांसेस है हो सके ऐसा है। आपको ये कॉल बैक के लिए मैं कॉलअप के लिए डेट रखूँ? अगर आप डेट मत रखिए उधर, ऐसा मत लिखिए कि PTP लिख के मत रख दीजिए मैम, उधर खाली फॉलोअप के लिए लिख के भेजिए। हाँ हाँ, आप एक कॉल बैक कीजिए, हाँ बस उतना ही, एक 15-20-25 तारीख के बाद कीजिए, अगर मैं कुछ हो गया हो तो आपको बता सकूं, नहीं हुआ है तो भी बता दूंगा। और आप ही कॉल कीजिए मैम, आप ही कॉल कीजिए, किसी आयरे गहरे को मत दीजिए, क्योंकि मैं कुछ गलत बोलूंगा वो कुछ गलत बोलेगा, फिर एक तो मैं प्रॉब्लम में हूँ मैम। देखो मैडम, किसी का भी अभी कोई आदमी प्रॉब्लम में है ना, उसको कुछ आप बहकाते हो ना वो टेम्पर हो जाता है, आपको भी पता है ये चीज, मेरा कहना वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके सर, तो मैं आपका कॉल बैक में रखती हूँ, मैं 20 तारीख को आपको कॉल करती हूँ सर। एक ठीक है मैम, अगर कुछ हो सकता है तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं होता है तो भी मैं बता दूंगा कि मैम कुछ हुआ नहीं है, बता दूँ। बट बैंक आपको इतना रिक्वेस्ट करता है सर, एटलीस्ट। मैडम आपको क्या बता रहा हूँ मैम, 500 रुपये नहीं है जेब में, आप सोचिए पे करने का। मेरा बिजनेस जो था ना मैम, वो भी बंद हो गया मेरे एक्सीडेंट की वजह से, ऐसा हो गया है। ठीक है सर, मैं आपको कॉल बैक में रखती हूँ, मैं आपको फॉलोअप करती हूँ सर, कॉल बैक करती हूँ। ठीक है मैम, वो कॉल बैक पे रखना, वो PTP मत लिख देना मैम प्लीज। नहीं, हाँ फिर वो बहस होगी, मुझको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, नहीं, थैंक यू सो मच।